हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। ये पार्ट टू वीडियो है, ओके ना, क्लास फोर का चैप्टर फिफ्थ का है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको फिर से फ्रंट पेज दिखा देता हूँ, ये देखिए क्लास फोर का फिफ्थ चैप्टर आपको दिख रहा होगा, यही हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट वन वीडियो में बनाकर डाल दिया हूँ और लिंक भी दे दूंगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में, यहाँ से स्टार्ट करना है हम लोग को, बागे पीछे हम लोग पढ़ लिए थे। अब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, सर्कल का नाम सुने हो आप लोग, ठीक है। सर्कल मतलब क्या होता है, गोला होता है, ठीक है, इसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल से ही क्या बना है, सर्कुलेटरी, कहने का मतलब कि ये पूरा सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट मतलब घुमाता है इधर से उधर। अब क्या घुमाता है भाई, देखते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प टू ट्रांसपोर्ट गैसेज डाइजेस्टेड फूड थ्रू आउट द बॉडी। ये क्या करता है कि हमारा जो गैस होता है ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, तो ऑक्सीजन लेने के बाद हमारे जो पूरे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन देता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है। जो हम लोग फूड खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसमें से जो भी एनर्जी हमको मिला, तो पूरे बॉडी पार्ट्स को किसके थ्रू जाता है, वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का काम रहता है कि वो पूरे बॉडी पार्ट्स को देता है। जैसे कि हर्ट हो गया, ब्लड हो गया, और ब्लड वेसल्स हो गया, जो नस वगैरह होते हैं, वो साथ में मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। अब यहाँ फर्स्ट में हम लोग हर्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या होता है, ब्लड के बारे में आप लोग पता है कि ये रेड कलर का होता है, लिक्विड होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करता है वेसल्स के अंदर, जो हमारे नस होते हैं, वेंस होते हैं, उसके अंदर। एंड एक्ट एज अ मीडियम टू कैरी वाटर। अब ये एक्ट करता है कि ये एक माध्यम है, वाटर को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, और वाइटल गैसेस को कैरी करता है, जो हमारे अंदर गैस होते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन जो है चारों तरफ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम का कारण होता है, ये ब्लड के थ्रू ये सब कैरी होता है हमारा चीज़। ओके डियर, अब नेक्स्ट हम लोग चलते, अभी हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट क्या होता है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, मसल से बना हुआ ऑर्गन है। इसको हम लोग पंपिंग स्टेशन ऑफ आवर बॉडी भी बोलते हैं, हमारे बॉडी का ये पंपिंग स्टेशन है। ये क्या करता है, हार्ट पंप करता है, पंपिंग करने का काम करता है। कैसे, आपके घर में मोटर लगा हुआ रहता है, तो उस मोटर के थ्रू क्या होता है कि पानी अंदर से निकालता है और ऊपर जाकर वो टंकी में पानी को भरता है ना, फिर टंकी से चारों तरफ सप्लाई करता है। तो उसी तरह से ये जो हार्ट है हमारे अंदर, वो क्या करता है, ब्लड को, ब्लड इसमें होता है, प्यूरीफायर होता है, फिर पूरे बॉडी पार्ट्स को इसमें पंप करके ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स को देता है, ठीक है। इसी का काम होता है ब्लड को ऊपर देने का। इट कॉन्ट्रैक्ट्स रिलैक्स पंप टू ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है और रिलैक्स होता है, मतलब सिकुड़ता है, फिर छोड़ता है, मतलब कि फूलता है, और उसी तरह से पंप करता है, ढक 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 करता है ना। जब अपने चेस्ट पे हाथ रखते हो तो आपका दिल धड़कते रहता है ना, तो वो उसी के उस धड़क रहा है, यानी कि आपका ये ब्लड का, ब्लड जो है पंप कर रहा है, ब्लड वो निकल रहा है उससे, पंपिंग कर रहा है। कहने मोटर चलता है ना, मोटर चलता तो आवाज़ करता है, तो उसी तरह से मान लो कि ये भी हमारा हार्ट जो है एक तरह का मोटर का काम करता है। मोटर काम कर करके ये ब्लड को पंप करता है ऊपर की ओर और पूरे बॉडी पार्ट्स में देता है। वंस कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन है, एक बार कंप्लीट जो होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सन हो जाता है, तो इसी को हार्ट बीट बोलते हैं। दिल धड़कता है, एक बार धड़का, फिर सिकुड़ा, फिर धड़का, फिर सिकुड़ा, तो इसी को हार्ट बीट बोला जाता है। ओके, ये तो आपको पता ही होगा। और ये देखो हमारे ये हार्ट का फिगर है, ये सब आपको दिख रहे हैं ना, ये वाला, ये सब ब्लड वेसल्स है, इसी के थ्रू ब्लड को कैरी किया जाता है। अब यहाँ ब्लड वेसल्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ब्लड वेसल्स एक थीन ट्यूब्स होता है, पतला सा होता है, ट्यूब्स लाइक होता है, उसके अंदर पाइप टाइप रहता है वो, ठीक है, क्योंकि ब्लड उसी के अंदर ना फ्लो करेगा। अब उसमें ब्लड को अलाउ करता है कि पूरे बॉडी पार्ट्स में देने के लिए। अब आर्टरीज हैं, वेंस है, कैपिलरीज हैं, ये सबका अलग अलग तीन तरह का ब्लड वेसल्स होते हैं। आर्टरीज हो गया, वेंस हो गया, कैपिलरीज। हमारे अंदर जो नस होता है वो तीन तरह का होता है, एक जैसा नहीं होता, तीन तरह का होते हैं, ठीक ना। उनका सब अलग अलग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है पूरे बॉडी पार्ट्स में, और अलग अलग सब वर्क करता है कि इसका ये काम है, उसका वो काम है। तो आप देख रहे हो ये पिक्चर है सर्कुलेटरी सिस्टम का बना है, कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या मिलकर बना, ब्लड वेसल्स, हर्ट हो गया, ये सब, और ब्लड वगैरह मिलकर हमारा ब्लड वेसल्स बनाता है। ओके, तो अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छे से देख लिए। अब यहाँ हम लोग लास्ट क्या है हमारा, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब क्या, एक्सक्रीट मतलब कि एक्स मतलब बाहर, ठीक है, एक्सक्रीट मतलब एग्जिट, हम लोग बोलते हैं ना कहीं बाहर डोर पे जाते तो एग्जिट लिए, तो एक्स से ही बना हुआ है एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब कि ये चीज़ को बाहर निकालता। अब कैसे निकालता, चलिए देखते हैं। बहुत सारे प्रोसेस हैं, फंक्शन हैं, जो कंटिन्यूसली होते रहते हैं हमारे बॉडी में,
ठीक ना, अगर होना बंद हो जाएगा तो हम लोग अपना लाइफ नहीं जी पाएंगे, हम लोग मर सकते हैं। एज अ रिजल्ट वाटर इज ऑल्सो प्रोड्यूस। अब इस रिजल्ट में क्या होता है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर। एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या करता है ना, इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम आउट बॉडी। एक्सक्रेटरी सिस्टम के कारण होता है कि हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जब खाना खाए तो खाना खाए तो उसमें से जो वेस्ट चीज़ बच गए, जो अब हमारे बॉडी का कोई काम नहीं होता है उसका, तो बाहर निकाल देता है। तो उस सब ये एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम होता है, ये सबको बाहर निकालने का, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी का। अगर एक्सक्रेटरी सिस्टम नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं जिंदा रह पाएंगे। बहुत सारे अलग अलग तरह का वेस्ट होते हैं हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है, जैसे कि देखो सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में क्या हो गया, सॉलिड मतलब कि लिक्विड नहीं, सॉलिड में होगा, मतलब कि आप छू सकते हो उसको। इन द फॉर्म ऑफ फैसेस थ्रोन आउट बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो फैसेस के फॉर्म में होता है, जैसे कि वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, और उसके द्वारा डाइजेस्टिव सिस्टम, बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा हमारे बॉडी में क्या होता है, बाहर निकाला जाता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। अब लिक्विड वेस्ट क्या हो गया, जैसे कि स्वेट के फॉर्म में निकलता है। फैसेस यहाँ पे समझ रहे हो ना, वो हमारा हो गया जो हम लोग बाथरूम करते हैं ना, वो फैसेस हमारा उसके वेट में बाहर निकलता है, ठीक है। और ये हमारा ये लिक्विड वेस्ट कैसे निकलता है, स्वेट के फॉर्म में। स्वेट मतलब पसीना जो निकलता है हमारे बॉडी से, और जो पसीना निकल रहा है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, इसलिए बाहर निकलता है। यूराइन जो टॉयलेट हम लोग करते हैं तो वो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। ये किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है, स्किन के द्वारा और किडनीज के द्वारा, ठीक है। किडनी से हम लोग टॉयलेट करते हैं, किडनी से क्या होता है कि किडनी में जो भी ब्लड हुआ उसमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है तो बाहर निकल जाता है, ठीक है। ब्लड को प्योरीफाई करने के बाद जो उसमें से बच जाता है कचरा, तो टॉयलेट के रूप में बाहर हमारा निकल जाता है, ठीक है। ये सब एक्सक्रेटरी सिस्टम का काम होता है। अब गैसियस स्टेट में क्या निकलता है, गैस के फॉर्म में, देखो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं ना, तो ये तो हम लोग अपने किसके लंग्स के थ्रू बाहर निकालते हैं, ठीक है। वाटर वेपर हो गया, वाटर वेपर भी रहता है अंदर, तो ये सब लंग्स के थ्रू हम लोग बाहर निकालते हैं। अब ये ऑर्गन हमको क्या हेल्प करता है कि एक्सक्रेशन जो वेस्टेज होते हैं हमारे बॉडी में, यूराइन के रूप में होता है ये, जैसे टॉयलेट के रूप में हम बाहर निकालते हैं, और एक्सक्रेटरी सिस्टम के कारण होता है, ठीक है, इसके कारण हम वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं। तो आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। अभी यहाँ पे और देख लीजिए, पिक्चर है, तो ये पिक्चर के थ्रू और अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। हम लोग के पास दो किडनीज होते हैं, पता है ना, एक हर एक एक दूसरे साइड, एक इस साइड होगा, एक लेफ्ट और एक राइट साइड होते हैं, ठीक है, साइड ऑफ द एब्डोमेन, ऑन वन ऑन अदर साइड, एक साइड इधर एक साइड इधर, एक दूसरे के साइड, इसी को एब्डोमेन बोला जाता है। ये रेडिश ब्राउन कलर में होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, बीन शेप में होता है, ठीक है। बीन शेप मतलब कि इस शेप में, कहने का मतलब इस शेप को बीन शेप बोला जाता है, तो इस शेप में होता है ये, ओके। राजमा खाया ना, राजमा का शेप जैसा होता है उसी का शेप में ये होता है, ओके बाबू। अभी यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ ऑर्गन्स विच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूराइन, ये क्या करता है कि यूराइन को फॉर्मेशन करने बनाने में काम करता है। जो टॉयलेट हमारा जो है ना, किडनी जब ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है, तो ब्लड जैसे किडनी का काम क्या रहता है कि हमारा जो ब्लड बनता है उसको फिल्टर करने का काम करता है ये, ठीक है। और जो फिल्टर करने के बाद इसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट लिखा से घर में आप लोग, तो ये फिल्टर करता है, और फिल्टर करने के बाद जो उसमें क्या बोलते हैं कि जब ब्लड फिल्टर किया, तो ब्लड फिल्टर करने के टाइम में कुछ होता है ना अलग अलग। अभी हम क्या एग्जांपल ले रहे थे कि फिल्टर घर में, आपके घर में फिल्टर लगा हुआ है पानी को फिल्टर करने वाला, तो जिसके घर में लगा हुआ है वो अच्छे समझ जाएंगे। जैसे कि पानी फिल्टर होता है तो उसका एक वेस्ट पाइप होता है ना, जो कि वेस्ट पानी निकलता है उसका कोई यूज़ नहीं रहता। उसी तरह से क्या होता है कि ये जो ब्लड फिल्टर करेगा किडनी, तो ब्लड फिल्टर करने के बाद कुछ एक और वेस्ट चीज़ निकलेगा, तो वेस्ट चीज़ क्या होगा, यूराइन हुआ, जो हम लोग टॉयलेट करते हैं ना वही यूराइन हुआ, तो उसी चीज़ को बनाता है, और इसके थ्रू क्या करता है कि यूराइन को बाहर निकालता है। यूरेट्रा, यूरेटर्स होते हैं, एक पेयर्स ऑफ ट्यूब्स होता है, ठीक है। यूरेट्रा ये वाला देखो, ये ट्यूब टाइप है, ये पेयर होता है, दोनों इसमें भी रहता है इसमें भी रहता है। इससे क्या करता है ना कि ये यूराइन को कैरी करता है, यहाँ से जो फिल्टर किया मतलब ब्लड फिल्टर कर लिया, तो अब इसको, अब ये जो ख़राब चीज़ होगा इसको यहाँ लाकर, यहाँ पे लाकर जम जाता है हमारा टॉयलेट, ठीक है, यहाँ पे लाकर कर देता है। और यहाँ पे करने के बाद क्या होता है कि जब हम लोग को ज़्यादा हो जाता है फुल, तो फिर हम लोग टॉयलेट के रूप में उसको बाहर निकाल देते हैं। देयर आर वाल्व्स इन द यूरेट्रस दैट प्रिवेंट यूराइन फ्लोइंग बैक टूवर्ड्स द किडनी। देखो क्या बोल रहा है कि एक वॉल्व्स होता है इसमें, ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि भरने के बाद क्या होगा कि फिर से किडनी में वापस चल जाएगा, अगर ज़्यादा हो गया हम लोग नहीं किए देर तक।
तो इसमें एक वाल्व्स होता है, उससे क्या होता है, क्या मदद करता है कि वो वाल्व्स क्या मदद करेगा ना कि इसको बैक जाने से, टॉयलेट को बैक जाने से यूराइन को बचाता है, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लड क्या है, यूरिनरी ब्लड ब्लैडर एक होलो बैग होता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला ब्लैडर एक होलो बैग ब्लैडर होता है ऑर्गन, जिसमें यूराइन को स्टोर करता है, ठीक है, यूरिनेशन तक, जब तक वो बाहर ना निकले तब तक उसको रखे रहता है अपने में। और यूरेथ्रा जो है ये ओपनिंग है, इसी के थ्रू हम लोग टॉयलेट करते हैं, ओपनिंग है ये जो बाहर निकलता है ना हमारा टॉयलेट, ये पाइप रहता है इसी के थ्रू, इसको यूरेथ्रा बोला जाता है। ब्लैडर थ्रू द विच यूराइन इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, जिसके थ्रू हमारे बॉडी के द्वारा बाहर इसको फेंक दिया जाता है। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर एवरी डे टू हेल्प द किडनी फंक्शन प्रॉपर, इसलिए हम लोग को पानी एकदम क्लीन पानी पीना चाहिए ताकि इससे किडनी का जो फंक्शन है प्रॉपर वे से कर सकें। ओके, तो वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आप किसी को और कोई चैप्टर में डाउट होगा तो मैसेज कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और कमेंट करके बताइए कौन सा चैप्टर आपको डाउट है, हम उस चैप्टर को भी क्लियर करेंगे। ओके डियर, बाय, टेक केयर।